पहला है बिलो, एट ए लोअर पोजिशन, जिस चीज से हम व्याख्या करते हैं उसके नीचे वाली पोजिशन पे। द वैली इज बिलो द हिल, घाटी पहाड़ी के नीचे है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे नहीं लिखो। द टेम्परेचर विल रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहेगा। हिज रैंक इज बिलो एन इंस्पेक्टर, उसका रैंक या उसकी पदवी इंस्पेक्टर के नीचे वाली है। ही गॉट बिलो 50% मार्क, उसको 50% से कम मार्क आए। इट इज बिलो माई डिग्निटी टू ईट एट रोड साइड स्टॉल्स, ये मेरे गौरव के खिलाफ है कि मैं रोड साइड पे कहीं खाना खाऊं। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। अगला है ओवर, हायर देन, उसके ऊपर। देयर इज नो फैन ओवर द टेबल, टेबल पर कोई पंखा नहीं है। ही जंप्ड ओवर द वॉल, उसने दीवार पर छलांग लगाई। ही नॉक्ड ओवर द ग्लास ऑफ मिल्क, उसने दूध का गिलास गिरा दिया। नॉक्ड यानी कि टकराना या गिरा देना। देयर इज नो वन ओवर हिम इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में उसके ऊपर कोई नहीं है। ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर मनी, उनका पैसे को लेकर विवाद हुआ है। ही हैज लिटिल कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, उसकी अपनी भावनाओं पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। ही हैज रोम्ड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे देश का भ्रमण कर चुका है। अगला आता है बीनीथ, टू ए लोअर पोजिशन, नीचे की पोजिशन। देयर वॉज ए टॉय बीनीथ द लीव्स, पत्तों के नीचे खिलौना था। हेवन अबोव एंड द अर्थ बीनीथ, ऊपर स्वर्ग नीचे पृथ्वी। ही वॉज वेयरिंग ए थर्मल बीनीथ हिज कोट, उसने कोट के नीचे गर्म कपड़े पहन रखे थे। आई कांट डू दिस वर्क एज इट इज बीनीथ माई डिग्निटी, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे शान के खिलाफ है या गौरव के खिलाफ है। द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, कश्ती लहरों के नीचे डूब गई। शी ऑलवेज कीप ए नाइफ बीनीथ हर पिलो, वह अपने तकिए के नीचे हमेशा चाकू रखती है। ऑन हियरिंग द न्यूज द ग्राउंड बीनीथ देम शुक, खबर सुन के उनके पैरों तले की जमीन हिल गई। अगला है अबव, हायर देन, ऊपर। अब अबव और ओवर में थोड़ा फर्क होता है। ओवर में दो चीजों का आपस में संबंध होता है, कॉन्टेक्ट होता है, और अबव जो है सिर्फ पोजिशनल है। ही गॉट अबव 60% मार्क्स, उसे 60% के ऊपर मार्क्स मिले। वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी कि बादलों का और हमारा कोई संबंध नहीं है। शी इज अबव सस्पिशन, वह शक के दायरे के बाहर है। ही मस्ट बी अबव 18, वो 18 से ऊपर होना चाहिए। शी वॉज टोल्ड टू स्पीक टू द पर्सन अबव, उसे अपने से ऊपर वाले से बात करने के लिए कहा गया। द वेट इज अबव ए टन, एक टन से ऊपर वजन है। इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अबव, ऑर्डर ऊपर से आया। अगला आता है अंडर, लोअर देन, नीचे। ही वॉज हिट जस्ट अंडर हिज आई, उसे बिल्कुल आंख के नीचे मारा गया। दे टू क्रेस्ट अंडर ए ट्री, उन्होंने पेड़ के नीचे आराम किया। द वॉटर फ्लोस अंडर द ब्रिज,
पानी पुल के नीचे से बहता है. The children under 4 are not admitted. चार बरस के नीचे के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता है. इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल टिल 1947. 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन था. द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन. मामला अभी भी विचाराधीन है. अंडर ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग में है. डोंट ओपन एन अकाउंट अंडर ए फॉल्स नेम. गलत नाम के नीचे अपना अकाउंट मत खोलो यानी कि गलत नाम से अपना अकाउंट नहीं खोलो. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अंडर और बीनीथ करीब करीब सेम होते हैं. इन दोनों में लोअर पोजीशन को कहा जाता है, अंडर और बीनीथ. लेकिन अंडर में ऊपर की चीज का और नीचे की चीज का कोई कांटेक्ट नहीं होता. जैसे अंडर द ब्रिज, तो ब्रिज ऊपर होता है और नदी नीचे से बहती है. लेकिन द स्मोकर क्रश द सिगरेट बीनीथ हिज लेग या बीनीथ हिज फीट, तो वहां पे सिगरेट का और फीट का आपस में कांटेक्ट है. बीनीथ द लीव्स यानी कि पत्तों के नीचे, तो उनका आपस में कांटेक्ट है. यही फर्क है बीनीथ और अंडर में. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and don't forget to like it and comment on it. Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel Ekta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.